7/9/2022। मैं ज़ीशान समद, मैं शुक्रगुजार हूँ गोदरे ब्रदर्स का, जिन्होंने हमारी मतलब मुमताज़ चांग वेलफेयर सोसाइटी की टीम पर यकीन किया और बगैर कोई प्रूफ मांगे सिर्फ एक कॉल पर अपनी राशन से भरी गाड़ी यहाँ ले आए। कह सकते हैं कि उन्होंने अल्लाह से ठान लिए कि जन्नत हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अल्लाह ने बताया है। कहते हैं ना, हकों को लिबात माफ़ नहीं है, हकों को अल्लाह फिर भी माफ़ हो जाएंगे। तो वो लोग हकों को लिबात का काम कर रहे हैं, वो अल्लाह के बंदों का ख्याल कर रहे हैं। यहीं पे ही नहीं बल्कि यहाँ से पहले काफ़ी जगहों पे उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर गए हैं राशन से भरी। यहाँ पे भी 300-350 बैग्स देने के बाद उन्होंने रुक किया जुटो का। वेल, वो यहाँ पर आए और उन्होंने बगैर कोई ज़ात पात देखे, बगैर कोई लैंग्वेज चेक किए, बगैर कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम को चेक किए, उन्होंने अपने राशन के बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमने भी थोड़ा सा अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिया, हमने भी उनसे तआवुन किया और बिल्कुल फील नहीं हुआ कि वो लोग गैर हैं और हम उनसे पहली दफ़ा मिले हैं। इतने में गोदरे ब्रदर्स के एक कारकुन से हमारी मुलाकात हुई, उससे बातचीत हुई, तो उन्होंने ये बताया कि इस बैग्स में क्या है, कितना सामान है, और उन्होंने ये बताया कि गोदरा बिरादरी की जानिब से सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए अभी हम छतों के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर हम राशन, कपड़े, पानी और मुख्तलिफ चीज़ें लेके आए हैं। यहाँ के लोग काफ़ी मुतासिर हैं और हम यहाँ मुमताज़ चांद वेलफेयर की कॉल पे यहाँ पे हम आए हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमको यहाँ के हालात बताए कि काफ़ी कशीदा हालात है, तो उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये राशन हम यहाँ लेके आए हैं और ये राशन हम आपको दिखाएंगे कि राशन के अंदर क्या क्या है। इंशाल्लाह जो मुस्तहिक लोग हैं, इंशाल्लाह उनके घरों तक हम खुद पहुँचाएँगे, इनके साथ महमूद भाई और उनके साथ खुद हम पहुँचाएँगे। ये हमारी पूरी टीम मौजूद है, यहाँ की भी टीम मौजूद है, हम आपको दिखाएँगे। और हमारे साथ जो वर्कर आए हुए हैं, इंशाल्लाह हम सब आपस में मिलकर ये राशन मुस्तहिक लोगों तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचाएंगे। और मज़ीद और भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम कराची से और लेके आएंगे और हम आपको ये राशन अभी दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या हमने पैकेज रखा हुआ है। तो इसके अंदर चाय की पत्ती है, दूध के डिब्बे हैं, आटा है, दाल है, दाल मूंग है, नमक है, चीनी है और खुश्क एशिया हम आपको दिखाए थे। इसके अंदर ये बिस्किट वगैरह है और चने हैं, इसके अंदर जूस है और ये काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके अंदर है, ऑयल, ये सब कुछ ये हम पैकेज लेके आए हैं और इंशाल्लाह मुस्तहिक लोगों तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएंगे। और सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि वो लोग बिरयानी, जो कि यहाँ से अपने हाथ से उन्होंने बनाई, पैक की और वो भी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। इनफैक्ट उन्होंने अपने जो गोदाम पे काम, उनका अपना जो कारोबार था गोदाम का कपड़ों का, तो वो अपने गोदाम से गरीबों के लिए कपड़े भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए और भी बहुत कुछ। और फिर लोगों ने ये बताया कि आप लोग आए थे और आप लोगों ने हमें दिया, इसके अलावा अभी तक हमारे पास कोई भी चलकर नहीं आया। महीनो डेढ़ थी पानी पुजा कहीं घर किरी महीनो पूरा शे को मिली का शे को मिली जैसे वही चवे तो चवे तो हाँ इंद हाँ बस सुबो पर बस लाला लिखो लिस्टू लिखो खड़े वन बस ही मेहरबानी है गोदरा फैमिली की मुमताज़ चांग जो है असो वेलफेयर है उनकी मेहरबानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वरी इंदासी इंशाल्लाह ताला, ठीक है, दुआ में याद रखो। मंतार खान चांग जी तरफा वेलफेयर जो है सो गोदरा बिरादरी कराची का
इमदादी सामान राशन खड़ी आया इन मुस्तक गरीब मानन के देन जला इन मज जो को सो न जात दिठी है न रंग दिठो है उन्हें अची इतने राशन विरायो है पचायो भी है कच्चो सीधो भी हलायो है गरीबन के कपड़ा भी दिना मच्छरदानियों भी दिनों इन वेलफेयर की टीम जका है मुमताज खान की हूँ भी उन्होंने गडन उन्होंने गजी जो सो उन्होंने राशन विरायो इमदाद दिनी मानन की सार संभाल लथी है असी उन्हें गोदरा टीम जा जेके भी दोस्त कराची में आया उन्होंने जा भी असी निहायत शुक्र गुजार हूँ मुमताज खान चांग जो है सो अमेरिका में वही तावन किया है दोस्त के मोकलो है और रबते मजा है असी उन्हें जा भी निहायती शुक्र गुजार हूँ। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उन्होंने थोड़ा सा भी वेट नहीं किया और हमसे ये कहा कि हम तो खाना खा लेंगे लेकिन जिड्डों में जिन्हें हमारी ज़रूरत है जिसके लिए हम राशन लेकर आए हैं असल में खाने की ज़रूरत उन्हें है क्योंकि वो पता नहीं कितने दिनों से भूखे होंगे। माशाल्लाह इनकी ये सोच देखे मैं तो फिदा हो गया। अल्लाह पाक इनको खुश रखे इन्हें आबाद रखे इनकी हर जायज़ दुआ कबूल करे इनके बच्चों को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे अल्लाह पाक इन्हें ऐसे ही रखे ताकि वो अपने अल्लाह के बंदों की अल्लाह की मखलूक की ख्याल कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।